तो देख सकता है पीएनबी लगातार एक्शन में है। आज तो आराम से इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में भी नहीं है, सीरीज की शुरुआत है। यूटीआई एएमसी में इनकी 15% हिस्सेदारी है जो पूरी तरह से बेचने के लिए सरकार से मंजूरी इन्हें मिल चुकी है। चरणों में हिस्सा बिक्री हो सकती है बट एसेंशली ये अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, ये आपके लिए खबर आई है। मोमेंटम तो स्टॉक में भरपूर है। हिमांशु जी क्या करना है पीएनबी में सर? दीपांशु, फॉर्चुनेटली पैनल पर इंक्लूडिंग मी काफी एनालिस्ट्स ने पीएनबी और बाकी पीएसयूज में खरीदारी की राय दी और काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पर व्यूअर्स को मिलता हुआ नजर आया। मेरा ऐसा मानना है कि वीकली क्लोजिंग पर, एक्सपायरी क्लोजिंग पर स्टॉक ने जिस तरह से पहली बार काफी लंबे समय के बाद 45-46 के लेवल को डिसाइसिवली पार किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब स्टॉक के लिए 44-45 एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है और ये किसी भी तेजी की पोजिशन के लिए पोजिशनल स्टॉप लॉस का काम करेगा। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अपमूव है इसका टारगेट कहीं ना कहीं 58 और 64 रुपए तक के दो टारगेट्स हैं जो इस स्टॉक को इसी रैली में इन टारगेट्स की तरफ ले जा सकता है। तो पोजीशन में बने रहें, फ्रेश खरीदारी के लिए 48-46 का बहुत अच्छा जोन है जहां पर खरीदारी करें, 44 का स्टॉप लॉस लगाएं, 58 और 64 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में पीएनबी में आते हुए नजर आ सकते हैं।